टू बी ऑनेस्ट आई डू एनवी दी लाफ्टर ऑफ तन में यार, कितना आसान होता है ना लोगों को मारना। नहीं सीरियसली, तुम तन में बैठे सनरेबी की हंसी में जो एक मैजिकल सा इफेक्ट है उससे बच ही नहीं सकते। एंड मैं कोई साइमन तो हूँ नहीं जो सरकेस्टिकली बोलूंगा, आई रियली मीन इट। देर इज समथिंग गोइंग ऑन विद देयर लाफ्टर। यार तन में हंसते हंसते अपने चैनल को जीरो से मिलियन ले गया। तो पार्ट वन में हम बात करेंगे अबाउट व्हाई वीरेंद्र सहवाग सिंग्स व्हाइल बैटिंग इन अ क्रिकेट मैच। पार्ट टू विल बी टाइटल्ड एज हाउ टू फील द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल। एंड जब हमें सब बढ़िया से समझ आ जाएगा, पार्ट थ्री का आंसर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा, बिकॉज व्हाई नॉट। एंड एंड में तुम्हारे लिए एक प्रो टिप होगी जिसे यू कैन एक्सप्लॉइट टू फील बेटर। सो लेट्स लर्न साइकोलॉजी बाय तन्मय भट्ट एंड सनरेबी। सो चार पांच साल पहले की बात है, वीरेंद्र सहवाग की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी वेर ही वॉज लिटरली सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल बैटिंग इन अ क्रिकेट मैच। व्हाई? द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। मान लो कल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है, तुम इधर से उधर घूम रहे हो, यू इवन स्किप्ड वन ऑफ योर मील्स एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी रैंडम टॉपिक टिल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। ऐसे में अगर तुम्हें कोई भी थोड़ी देर के लिए भी ऑब्जर्व करता है, वो डायरेक्टली बता सकता है दैट यू आर टेंस। काफी हद तक तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारे इमोशंस प्रेडिक्ट करे जा सकते हैं। साउंड सिंपल राइट? अंटिल इट टेक्स अ टर्न। तुम्हें कल अपने कॉलेज में सिर्फ 1-2 हजार लोगों के सामने एक स्पीच देनी है। तुम सुबह होने से पहले ही उठ जाते हो एंड यू कैन नॉट इवन स्लीप अगेन। ऐसे में तुम अपने खुद के बिहेवियर वेकफुलनेस को देखते हो एंड देन यू कंक्लूड आई मस्ट बी एंग्शियस। हाँ, जैसे तुम दूसरों का बिहेवियर देखकर उनके इमोशंस प्रेडिक्ट करते हो, ये सेम चीज हम खुद के साथ भी करते हैं। क्या मतलब? ऐसे तो मैं अपने बिहेवियर को मैनिपुलेट करके अपने इमोशंस मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं एक बड़ी सी स्माइल रखूंगा तो क्या मैं सही में खुश हो जाऊंगा? द आंसर टू दिस इज यस, काइंड ऑफ। एटलीस्ट 1970 से आज तक हुए साइकोलॉजी के कई एक्सपेरिमेंट्स तो यही कहते हैं। व्हेन द टेस्ट सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू फ्राउन, उन्होंने कहा उन्हें सही में गुस्सा आने लगा। जिन लोगों को एक स्माइल वाला फेस बनाने के लिए कहा गया था, दे फेल्ट मोर हैप्पियर एंड उन्हें कार्टून्स पहले से ज्यादा मजेदार लगने लगे एंड दे कुड इवन रिकॉल मोर हैप्पियर मेमोरीज। एंड यही छिपा है वीरेंद्र सहवाग का आंसर। जैसे कि उन्होंने खुद बताया, गाना गाने से उनका मन शांत होता है एंड इट्स वेरी सिंपल। वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जानबूझकर अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं टू फील बेटर, टू फील काम। सो ऐसे तो अंटू को पिंटू की फीलिंग्स को फील करना होगा, तो वो सिंपली उसके बिहेवियर को इमिटेट कर लेगा, मतलब कॉपी कर लेगा, और कैन ही। 1981 की बात है, कैथरीन और जॉन नाम के दो एक्सपेरिमेंटर्स थे। इन्होंने एक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को धर लिया एंड एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हुआ। इन स्टूडेंट्स को एक इंसान जिसे कि अभी इलेक्ट्रिक शॉक मिलने वाला था, बस उसे ऑब्जर्व करना था, बट विद अ सिंपल ट्विस्ट। कुछ लोगों के लिए तो ये टास्क बड़ा ही सिंपल था कि एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा एंड इन्हें बस उसे ऑब्जर्व करना है। बट कुछ लोगों को कहा गया कि जैसे ही उस इंसान को शॉक मिलना शुरू हो, इवन ये लोग दर्द वाले एक्सप्रेशंस देना शुरू कर दें। बेसिकली द ऑब्जर्वर्स वर टोल्ड टू मेक अ पेंट एक्सप्रेशन व्हेनेवर द शॉक कम्स ऑन। इंटरेस्टिंगली, जिन लोगों ने पेन होने वाले एक्सप्रेशंस दिए थे, दे परस्पायर्ड मोर, इनकी हार्ट बीट तेज थी एंड दे कुड एम्पथाइज मच मोर विद द पर्सन इन पेन। तो हाँ, काफी हद तक अगर अंटू पिंटू के एक्सप्रेशंस कॉपी करता है, ही कैन लिटरली फील द इमोशंस ऑफ पिंटू। बट यार, इन सब से हमारा मेन क्वेश्चन तो अभी तक आंसर नहीं हुआ है। व्हाई द लाफ्टर ऑफ सनरेबी एंड तन्मय भट्ट इज अ बिग एसेट फॉर देम। लाइक, हंसते तो वो लोग है ना, तो इससे हमें क्या? आई विल आंसर दैट। सो वीडियो के पार्ट टू में आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ यू कैन फील द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, बट यू नो व्हाट, वी ऑलरेडी फील द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। हाउ? अपनी बुक सोशल साइकोलॉजी में डेविड जी मायर्स लिखते हैं, ऑब्जर्विंग अदर्स फेसेस, पोस्चर्स एंड वॉइस, वी नेचुरली एंड अनकॉन्शियसली मिमिक देयर मूवमेंट टू मूवमेंट रिएक्शंस। व्हाई? सो दैट वी कैन स्टे इन ट्यून विद व्हाट दे आर फीलिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इमोशंस आर कंटेजियस एंड इसे हम कहते हैं इमोशनल
कंटेजियन। एंड इससे तुम बड़ी आराम से रिलेट कर सकते हो, जब हम किसी ऐसे इंसान या ग्रुप के साथ होते हैं जिसकी वाइब पॉजिटिव है, वी फील पॉजिटिव। एंड इसीलिए नॉर्मली होता क्या है कि हम सब एक खुश और फुलफिल्ड इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं कंपेयर्ड टू समवन जिसके अराउंड एक सैड सी वाइब हो, बिकॉज उनके इमोशंस हम भी फील कर पाते हैं। द इमोशंस आर कंटेजियस एंड एग्जैक्टली यही रीजन है व्हाई द लाफ्टर ऑफ तन्मय एंड सूर्य इज सो इफेक्टिव, बिकॉज पीपल एक्चुअली फील दैट लाफ्टर एंड पॉजिटिविटी। सो व्हाट्स द प्रो टिप, एक पूरे दिन अपने बेड में बीमारों की तरह पड़े रहो, अगर कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब मरीज की आवाज में दो, एंड ट्राई टू डू थिंग्स जो कि एक दुखी इंसान करता। दूसरे दिन ट्राई टू एक्ट लाइक अ हैप्पी मैन, तुम सिर्फ दो ही दिन में जान जाओगे कि तुम्हारे बिहेवियर चेंज करने से तुम्हारे इमोशंस पर कितना फर्क पड़ता है, एंड इन दोनों का डिफरेंस विल श्योरली शॉक यू। बाय।